तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कल कोई वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि कल संडे था, सबको छुट्टी होती है, तो आप लोगों को भी छुट्टी मिल गई मोनिका को रोज रोज देखने की। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, सुबह से टाइम नहीं मिला। एक्चुअली थोड़ा सा आराम भी कर रही थी मैं। तो आज अपने लास्ट वाली जो वीडियोस हैं, मेरे शॉर्ट्स हैं, वो काफ़ी पसंद किए हैं आपने, तो मुझे अच्छा लगा कि आपको ये अच्छे लगे होंगे। आप बोर नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारे थे तो मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद बोर ना हो गए हों, कि बार बार वही वो सॉन्ग्स वाले। लेकिन आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का, सभी मेरे सब्सक्राइबर्स का, और सारे मेरे जो यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं सभी का, सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे, थैंक यू सो मच। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिल को छू जाने वाली एक कविता, एक गाना, कुछ भी समझ लीजिए आप। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास व्हाट्सएप पे आया था ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये उन सब पेरेंट्स, मतलब उन सब फादर्स के लिए जो अपनी बच्चियों को इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और देते हैं, हमें भी मिली, उन सब फादर्स के लिए डेडिकेट है ये पोइम। तो मेरे पापा के लिए भी, मेरे डैडी जी के लिए भी है, उनके लिए भी डेडिकेट है ये पोइम। और लिटरली इस टाइम पे मैं बोल रही हूँ तो मेरे को अजीब सा डर सा लग रहा है, क्योंकि वो कुछ ऐसी पोइम है, मुझे ऐसे डर लग रहा है कहीं मैं भावुक ना हो जाऊँ, ज़्यादा इमोशनल ना हो जाऊँ। और बहुत ही प्यारी, आपने सुनी भी होगी ये, तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ। आपने सुनी तो ज़रूर होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मुंह से भी सुन लीजिए आप वो उसको। और जिसने भी गाया है, उनके कवि हैं, मैंने तो शायद संजय जी हैं उनका सुना था, और बहुत 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 बढ़िया गाया था उन्होंने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। शायद वही वही नाम था जो मेरे पास व्हाट्सएप आया था, तो अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो एक्चुअली ये लंबी है, तो मैंने भी वो लिखी हुई है, तो मैं आपको सुनाती हूँ उसको, ठीक है? ओके। सच बात पूछती हूँ, बताना ना बाबूजी, बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे, मुझे माँ ने बताया था, ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, रुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। कि हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात थे मानती, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात थी मानती। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे मानती, बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थी मानती। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फराक भी आई, अपने लिए बंडी भी ना लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ, बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी।
पढ़ने लगे हम तो पढ़ाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी जो बचा था मेरी सगाई में लगा दी। अब इतना किसके लिए कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, ना छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन एक पल न लगेगा, बिटिया बिदा हुए तो घर ये घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते, कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, क्यों रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। ये जो अब जो लास्ट वाला है ये बहुत ही इमोशनल है। मुझे शक्ति देना भगवान कि मैं रोऊं ना, क्योंकि जब मैं लिख रही थी तो मैं रो पड़ी थी कि कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, कि कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा, क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, बताना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना ना बाबूजी, छुपाना ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। तो सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। हमेशा ही ऐसे होता है, मैंने पूरा सोचा था नहीं करूंगी नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा हो जाता है। मैं लिख रही थी तब भी हो गया था, रिवाइज कर रही थी इसको तब भी हो गया था। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये पोइम, ये कविता? मेरी नहीं एक्चुअली, किसी और ने लिखी है, मुझे तो बस सिर्फ व्हाट्सएप पे आई थी, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आई होप आपको ये पोइम कविता अच्छी लगी होगी। और उन सब फादर्स को मेरी तरफ से सलाम नमस्ते जो ये सब देख रहे हैं और अपने बच्चों को अपनी लड़कियों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनके सम्मान के लिए खड़े हो रहे हैं, लड़कियों को इस काबिल बना रहे हैं कि वो अपनी पहचान खुद बना सके। बस ज्यादा नहीं बोल सकूंगी आज। तो अगर आपको ये मेरी पोइम कविता अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा वो जो होता है ना, वो जो सुर होते हैं ना, वो इधर उधर थोड़ा हो गए होंगे क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर तो हूं नहीं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सबको, लव यू डैडी जी। सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ।